let's discuss intelligence. Ke intelligence kehte kise. Hey there. Subscribe okay, to my channel. I'm going to ask you two and questions. Also press this bell icon. Direct jawab bhi de sakte hain aur chat box mein bhi aap answer jo hai likh sakte hain what I'm going to ask from you people. Ye ek maine series likhi 3927. So who will tell me what will come next? Iske baad kya aayega? मैथमेटिक्स में एक सीरीज है 3927 सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन सॉरी आवाज में इशू है सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग चैट बॉक्स में अगर आंसर लिखें तो चैट बॉक्स में आप आंसर लिख के आपके आवाज में सादिया नूर साहिबा कुछ इशू है अब जो मैंने आप लोगों से सवाल किया कि 3927 के बाद क्या आएगा तो आप अगर इफ इट वाज अ लाइव सेशन लाइव से मुरादी फेस टू फेस सेशन होता सो वहां पर आपके आप में से कोई मुझे जल्दी से बता देता कि 81 और कोई थोड़ा सोच कर शायद वो कुछ और उनके जहन में आंसर आ रहा हो 54 वगैरह आ रहा हो और कुछ वक्त के बाद वो मुझे बता देते कि 81 लेकिन कुछ वक्त के बाद इवन 20-30 अगर ऑडियंस भी हो तो सब के सब मुझे बताएंगे फर्दर फर्दर कि 81 ही आ रहा है लेकिन पहला बंदा जो रिस्पॉन्ड दे कि 81 इसका मतलब यह है कि वो मैथमेटिकली मोर इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू द अदर्स इस तरह बर्ड एलिफेंट फिश और फ्लाई वॉक को आपने देखा सो वन रिस्पॉन्स वॉज टू स्विम और ओके फिश स्विम ही करते हैं सो बर्ड असल में उन्होंने लिंक्स बना दिए कि बर्ड फ्लाई एलिफेंट सॉरी बर्ड्स फ्लाई एलिफेंट वॉक एंड फिश स्विम इसी तरह से थोड़े वक्त के लिए आप सोचेंगे तो आप में से सब के सब फिर मुझे बताएंगे कि आखिर में स्विम ही आ रहा है नाउ ये जो रिस्पांस टाइम था जो बंदा रिस्पांस टाइम किसी भी चीज के लिए कम ले ले ही इज मोर इंटेलिजेंट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट इज इंटेलिजेंस अगर सिंपलेस्ट अल्फाज में हम बताए तो इट इज द एबिलिटी टू रूल द राइट टाइम एट द राइट To do the right thing at the right time in the right way. Three qualification to do things right, right चीज भी करनी है, लेकिन at the right time in the right way also. Now अगर हम definitions को देखें मुख्तलिफ so एक जिसकी हम थी आज पढ़ेंगे Gardner साहब so Gardner defines intelligence at it is a bio psychological potential bio psychological potential now two things over there physical response bio and mental response psychological so physical as well as psychological or mental responses or potential of our species ya humans ki aur kisi bhi cheez ki to process certain kinds of information in certain kinds of way Certain kinds of information, ये information mathematics की भी हो सकती है ये language की भी हो सकती है ये music की भी हो सकती है ये kinesthetic या इससे मुराद अगर आप professional या skills वगैरह की भी हो सकती है so it is processing those things in the right way. कोई बंदा जल्दी से mathematics सीख लेता है कोई बंदा जल्दी से music सीख लेता है कोई बंदा जल्दी से cricket सीख लेता है कोई बंदा जो है जल्दी से कोई और जो प्रोफेशन है वो सीख लेता है अगर स्ट्रेचिंग वगैरह हो तो वो सीख लेता है सो इट मींस सर्टेन काइंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स असल में वो अपने जहन के अंदर उस चीज के लिए जो भी प्रोसेसेस थे वो जल्दी जल्दी कर लेता है सो जितना बंदा किसी चीज को ठीक करने के लिए कम टाइम लेता है ही इज मोर इंटेलिजेंट और अगर बच्चा बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है तो ही इज लेस इंटेलिजेंट तो असल में जो रिस्पॉन्स टाइम है इट विल tell you about intelligence of a person response time about anything it will tell you about his intelligence
लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी एक एरिया में बंदा अगर इंटेलिजेंट है, रिस्पांस टाइम उसका जबरदस्त है, तो दूसरे एरिया में भी वो जबरदस्त ही होगा। इसीलिए ये गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी जिसको आज हम पढ़ेंगे, इन्होंने मुतारिफ कराई। अगर हम इसी को कंक्लूड करें तो इस तरह मैंने कह दिया कि द एबिलिटी टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इन अ राइट वे, दैट इज द इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस पे बहुत काम हुआ। सबसे पहले जो बाइनेट या बीने भी हम उर्दू में उनको बोलते हैं, उन्होंने काम किया और इन्होंने इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू, और इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, आईक्यू इज इक्वल टू फिजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज, सॉरी मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज इनटू 100, इट इज द फार्मूला ऑफ बाइनेट आईक्यू टेस्ट। सो आईक्यू टेस्ट किस तरह से लिए जाते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाइनेट इन 1900s, 1905 राउंड अबाउट उन्होंने इस पे काम किया। और असल में टास्क उनको जो दिया गया था या उनसे जो सवालात होते थे कि बच्चे यानी कौन से बच्चे जो है वो ज्यादा काबिल होंगे, कौन से बच्चे कम काबिल होंगे वगैरह, इस पे उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए और उसके बेस पर जो है आईक्यू टेस्ट डेवलप किया, जहां पर उनके इंटेलिजेंस कोशेंट या ज़हनी इस्तेताद उनकी थी वो मालूम करना था। बाद में जो बाइनेट साहब थे या बीने भी उनको कहते हैं, तो उन्होंने जो अमेरिकन सोल्जर्स थे तो उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके आईक्यू ले लिया और उसके बेस पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दिस पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट एंड दिस पर्सन इज लेस इंटेलिजेंट। लेकिन उनका फोकस सिर्फ दो चीजों पर था। उस वक्त तक इंटेलिजेंस जो है सिर्फ दो चीजों पर फोकस थी कि दीज थिंग्स विल डिफाइन वेदर अ पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट। नंबर वन, कोई बंदा लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है कि नहीं, जो अच्छी बातें करता हो, जो रेलिवेंट बातें करता हो, जो सॉलिड बातें करता हो, जो बातें कर सकता हो, दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, नंबर वन। नंबर टू, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इट मींस दैट अ पर्सन इज एबल टू कैलकुलेट थिंग्स, ही इज इंटेलिजेंट। सो टू थिंग्स वर ओवर देयर, जो बंदा कैलकुलेट, नाउ कैलकुलेशन सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, ये टाइम की कैलकुलेशन भी हो सकती है, स्पेस की भी कैलकुलेशन हो सकती है, ये सिचुएशन कैलकुलेशन भी हो सकती है या एनालिटिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। सो जो बंदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता था और जो अल्फाज जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनके पास हुआ करती थी, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू द अदर्स। सो दैट वॉज द मेन पॉइंट इन बाइनेट और बीने टेस्ट ऑफ आईक्यू। और उन्होंने कुछ स्पेशल इंटेलिजेंस जो डिस्टेंसेस वगैरह के मुताबिक था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो उनके मुताबिक कि कुछ स्पेशल इंटेलिजेंस के एरियाज भी उन्होंने कवर कर लिए, अगरचे उन्होंने ये लॉजिकल मैथमेटिक्स के अंदर कवर किए थे। सो हियर कंक्लूडिंग टेलिंग यू बाइनेट साहब वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या इंटेलिजेंस को किस तरह से नापा जाता है। और उनका जो मेन फोकस था टू थिंग्स पे था कि इंटेलिजेंस उसे कहें, इंटेलिजेंट बंदा उसे कहेंगे जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट हो, जो बातें कर सकता हो या जो रीजनिंग कर सकता हो, जो लिख सकता हो वगैरह वगैरह। इसी तरह से वो बंदा इंटेलिजेंट होगा जो कि कैलकुलेशन कर सकता हो, दैट कैलकुलेशन कैन बी मैथमेटिकल, कैन बी एनालिटिकल, कैन बी डिस्टेंसेस की भी हो सकती है वगैरह वगैरह। और सेम थिंग वाज रिफ्लेक्टेड ओवर हियर आल्सो। लेकिन जो गार्डनर साहब की थ्योरी थी, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया, नेगेट नहीं किया, मॉडिफाई किया कि सिर्फ ये दो चीजें नहीं है कि लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल, बल्कि इसके अलावा बहुत से एरियाज हैं जिनके बेस पर किसी बंदे को इंटेलिजेंट हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी बेस पर उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश की, मल्टीपल मोर देन दीज टू इंटेलिजेंसेस। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट कर ली। इट वाज प्रेजेंटेड इन 1983 और इनके जो किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, और उसके अंदर है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। So he presented this idea, and I think you can easily understand why he presented this idea, because he was thinking that there are more intelligences as compared to just these two. And another thing that he showed over there, ke unhone kaha ki ye jo research thi to ye to bahut purani hai, ab 21st century aa gayi hai, balki aane wali hai, so we have to modify these things also. और इनके इन्होंने एक फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के मुताबिक जो इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस के मुताबिक है, वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा। उन्होंने अब इन सवालों के जवाब भी दिए बड़ी डिटेल के साथ, हर एक सवाल के मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, यानी जो उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेज, वो कहते हैं कि इनिशियली मैंने 3-4 किए थे, बाद में मॉडिफाई कर लिया, और नाउ आई एम थिंकिंग
कि कुछ मैं उसमें ऐड भी कर लूं, और एडिशन जो है वो कहते हैं कुछ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वो भी मैं ऐड कर लूं कि बंदा एग्जिस्ट किस तरह से करता है, और कुछ पेडागॉजी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ पेडागॉजिकल इंटेलिजेंस पर को भी मैं ऐड कर लूं इन चीजों के अंदर. सो इन 1983 ही प्रेजेंटेड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. और मैन इन बिलीफ क्या था कि देयर आर मोर देन वन और टू इंटेलिजेंसेस इन द स्टूडेंट्स. मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इंप्लाइज दैट ह्यूमन बीइंग्स पोसेस सेवरल रिलेटिवली इंडिपेंडेंट एरियाज. स्ट्रेंथ इन वन एरिया doesn't predict strength weakness with other areas. Areas have been called computers. Remember one thing, ke unhone jo different areas hai to in areas ke liye jo lafz istemal kiya hai that is computer. Yani koi specific field, koi specific domain, koi specific field ya koi specific domain agar unhone mutayyan kiya hai to uske lafz ka istemal kiya hai, computer ka lafz istemal kiya hai. और वो कहते हैं कि अगर एक बंदा किसी एक एरिया में कमजोर हो तो जरूरी नहीं है कि वो सारों में कमजोर हो, या किसी एक एरिया में जबरदस्त हो तो सारों में जबरदस्त. मिसाल के तौर पर कोई बेहतरीन क्रिकेटर होगा तो शायद वो मैथमेटिक्स में कुछ भी ना हो, काइनेस्थेटिक यानी फिजिकल मूवमेंट वो जबरदस्त कर सकता है लेकिन लिंग्विस्टिकली शायद वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैथमेटिकली बहुत ज्यादा कमजोर हो. इस तरह कोई बंदा म्यूजिकली इंतहाई इंटेलिजेंट होगा म्यूजिक्स में म्यूजिक में लेकिन शायद वो लैंग्वेज वगैरह में बिल्कुल कमजोर हो. सो वो कहते हैं कि किसी खास एरिया में, और आप लोगों ने आज कल ये देखा भी होगा कि स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया है, हर बंदे को कहा जाता है कि एक फील्ड ढूंढे और उसमें जो है वो एक्सेलेंस गेन करें रादर देन तमाम एरियाज. ये जो डिफरेंट एरियाज हैं असल में ये डिफरेंट इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखती है. उन्होंने जो 8 डिफरेंट एरियाज का तयन किया या आइडेंटिफाई कर लिए other than these two, so they are over here. Number one, linguistic intelligence. Linguistic intelligence, ये जो लोग linguistically intelligent होते हैं वो poets होते हैं, वो writers होते हैं, वो reasoning कर सकते हैं, वो logically आपको convince कर सकते हैं, बातें वो जबरदस्त करते हैं, एक sequence एक order में लेकर चलते हैं. जिन लोगों के अंदर ये और इनसे relevant इंटेलिजेंसेस हो, सो दे आर लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट. इसी तरह से लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंट, बस दो कैलकुलेशंस में जबरदस्त होते हैं, हिसाब किताब में जबरदस्त हो सकते हैं, रिलेशनशिप में बड़े जबरदस्त. रिलेशनशिप नॉट डजंट मीन ह्यूमन रिलेशनशिप, बल्कि चीजों को रिलेट करना, वहां पर बड़े जबरदस्त होते हैं. सो दे आर लॉजिकल मैथमेटिकली इंटेलिजेंट. एक स्लाइड के जरिए फिर डिफरेंट प्रोफेशंस भी आपको डिटेल से समझा देंगे. इस तरह स्पेशियल इंटेलिजेंस जो स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस डजंट मीन कि हवा में जाना खिला में जाना, बल्कि डिस्टेंसेस को कवर करना. जितने भी स्पेशियल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, अगर ड्राइंग को आप देखें तो आप हाथों से अगर आप ड्राइंग करते हैं तो एक कोना इधर निकल जाता है, दूसरा उस तरफ निकल जाता है. सो या इसी तरह पायलट्स वगैरह जो होते हैं या जो नेविगेटर्स वगैरह होते हैं, तो आपके अंदाजे और उनके अंदाजे स्पेस में उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. Why? बाज़ लोग डिस्टेंसेस के मुताबिक आपको कहते हैं it will be round about 20 किलोमीटर, जिनको स्पेशल इंटेलिजेंस होती है. दूसरा बंदा आपको कहेगा it will be round about 35. अब 20 और 35 में बहुत जमीन का आसमान का फर्क है, क्योंकि उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होती. ये लोग आपको डायरेक्शन भी, जो स्पेशल इंटेलिजेंट लोग होते हैं they will give the exact direction or location. जिनमें स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होती तो आपको बेचारा शर्म समझाते हुए जाना राइट पे होगा और लेफ्ट आपको समझा देगा वगैरह वगैरह. सो जो ड्राइंग वगैरह होते हैं, जो खतात वगैरह होते हैं, तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस, क्योंकि वहां पर भी इंटर को रिलेट करना होता है मुख्तलिफ एंगल्स वगैरह को, ड्राइंग्स वगैरह को. जो म्यूजिकल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो म्यूजिक सुर वगैरह आवाज वगैरह के उतार चढ़ाव, पिच, वॉल्यूम वगैरह, इन चीजों को बेहतर समझते हैं. यानी अगर आप मुख्तलिफ सिंगर्स को देखें तो हर एक सिंगर जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंट नहीं होता. बाज बड़े तरन्नुम से गाते हैं, बाज वेरिएशन आवाज में उतार चढ़ाव जबरदस्त लेकर आते हैं एज कम्पेयर टू द अदर वंस. इस तरह से बॉडी का एनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं बॉडी के मूवमेंट या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये इफ यू रिमेम्बर हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो मोटर स्किल्स पढ़े थे, साइको मोटर स्किल्स, जहां पर कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी पार्ट्स,
अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट जिस तरह के माइंड करना चाहता है अगर उसी तरह से कर रहा है सो दे आर बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट. जो डांसर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं या जो क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स वगैरह होते हैं तो उन वो दे आर मोर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट. नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंस जो है जो नेचर को समझ सकते हैं, नेचर को, नेचर में क्या है, क्लाउड्स वगैरह जो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज इनके पास, मेट्रोलॉजी मौसमियात को कहते हैं, जो मौसम से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, जो नेचर से रिलेटेड, फितरत से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, वो ज्यादा बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट. इस तरह इंटरपर्सनल वो है जो दूसरों के फीलिंग्स को समझ सकते हैं. इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन टू. इंटरसिटी का लफ्ज आपने सुना होगा, एक इंट्रा सिटी है, एक इंटरसिटी है, एक इंटर स्कूल है, एक इंट्रा स्कूल है. इंटर स्कूल कंपटीशन उसको कहते हैं जहां पर दो स्कूल्स आपस में मुकाबला करें, इंटर स्कूल. इंट्रा स्कूल विद इन द स्कूल, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्कूल. इस तरह इंटर सिटी और इंट्रा सिटी. सो इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि दूसरों के फीलिंग्स को जो समझ सकते हैं, दूसरों के एहसास को समझ सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू, जो दूसरों की कंपनी में खुश रहते हैं, जो ज्यादा सोशल होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटर पर्सनल इंटेलिजेंट. जो हर महफिल में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और हर महफिल में ऐसे लगता है थोड़े वक्त बैठ जाए तो लगता है कि ये बहुत टाइम से यहाँ पे बैठा हुआ है या जान पहचान है, दे आर कॉल्ड इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट पीपल. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जो अपने आप तक महदूद होते हैं, ये बड़े क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, दीज इंट्रापर्सनल पीपल. वो लोग जो अपने फीलिंग्स को समझते हो, जो अपने आप पे फोकस कर सकते हो, इसको नेगेटिव कभी भी ना लें, जो अपने आप पे फोकस करते हो, जो ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड या टारगेट ओरिएंटेड या प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, इनको अगर आप ऐसा कोई टास्क दे जहां पर दूसरों के एनवायरमेंट हो तो उसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन इनको इंडिविजुअली अगर टास्क दे दे तो वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. नाउ इफ यू लुक एट दिस होल पिक्चर, जो बेहतरीन शायर हैं, जो बेहतरीन राइटर्स हैं, तो दे आर लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट. जो मैथमेटिक्स में, जो साइंस में बेहतरीन नाम उन्होंने कमाया हुआ है, सो दे आर मैथमेटिकली इंटेलिजेंट. जो बेहतरीन पायलट्स हैं, बेहतरीन नेविगेटर्स हैं, बेहतरीन ड्राइंग वाले हैं, बेहतरीन खत्तात हैं, पेंटर्स वगैरह हैं, स्पेशल इंटेलिजेंट. जो बेहतरीन सिंगर्स हैं, जो बेहतरीन म्यूजिशियंस हैं वगैरह, म्यूजिकली इंटेलिजेंट. जो बेहतरीन डांसर्स हैं, जो बेहतरीन एथलीट्स हैं, जो बेहतरीन क्रिकेटर्स वगैरह हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट. जो बेहतरीन नॉलेज रखते हैं मौसम से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, नेचर ऑफ हैपनिंग से रिलेटेड, दे आर नेचुरलिस्टिकली इंटेलिजेंट. जो ज्यादा सोशल होते हैं, जो ऑडियंस को जल्दी अपने ऐसा माहौल बना लेते हैं कि ऑडियंस ऐसा समझे कि जैसे ही इज वन ऑफ देम, इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट. जितने भी पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, दे आर इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट. इस तरह से जो ज्यादा क्रिएटर होते हैं, दे आर इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट. या जो जात के मुताबिक लिख सकते हो, जो नफ्सियात के मुताबिक इवन लिख सकते हो, जो आपने आप टीवी पर बयान सकते हो, सो दे आर इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, तो बहुत से एरियाज हैं. जरूरी नहीं है कि कोई बेहतरीन शायर हो तो बेहतरीन डांसर भी हो, कोई बेहतरीन सिंगर हो. इवन यहाँ पर पेरेंट रिमेम्बर वन थिंग कि उन्होंने थ्री अल्फाज का इस्तेमाल किया है. एक वो होते हैं जो कि लो वाले होते हैं, एक एवरेज वाले होते हैं, एक हाई वाले होते हैं. लो परफॉर्मर, लो परफॉर्मर, नॉर्मल या एवरेज परफॉर्मर और हाई परफॉर्मर. So these are the three performance levels of these intelligences. यानी इस एरिया के अंदर भी जरूरी नहीं है कि जो linguistically intelligent है सो वो बेहतरीन linguistically intelligent होगा. No, there will be three categories. Low performers, average performers या normal performers और high performance वाले लोग जो high performers होंगे. So these three words have been used by Mr. Gardner also. About these intelligences. अब ये स्लाइड आपको कुछ मजीद आपको डिटेल बता देंगी. जल्दी से इसको भी देख लेते हैं. What we have discussed, it is written over there. जो musically intelligent लोग होते हैं, so वो singing उनको पसंद है, whistling, humming, या feet को की tapping करना, and hands का की tapping करना और listening चीजों को सुनना, they love it.
जरूरी क्या है, अगर कोई म्यूजिकली इंटेलिजेंट हो तो अगर आप चाहते हैं कि ZPD, इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड ZP ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैक्सिमम डेवलपमेंट किसी बंदे की कैपेसिटी, सॉरी, तो आप उनके सिंग लॉन्ग टाइम सिंगिंग मूड से करवाए, कंसर्ट्स पे लेकर जाए, म्यूजिकल प्लेइंग फोकस अरेंजमेंट करें उनके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का, कि वो इनका इस्तेमाल करें अगर म्यूजिकली इंटेलिजेंट है तो। अगर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट है तो कहां से आपको पता चलेगा, ये लोग तजुर्बात करना पसंद करते हैं, सवाल ज्यादा पसंद करते हैं, यहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से रिलेज में कौन कौन सा बंदा इंटेलिजेंट है। फिगरिंग आउट पजल्स को सॉल्व करना, कैलकुलेशन वगैरह करना, सो इट विल टेल यू दैट ही इज लॉजिकली मैथमेटिकल। लेकिन क्या जरूरत है, क्या क्या करें उनको चाहिए, बल्कि आप उनके लिए फैसिलिटेट करें कि वो एक्सप्लोर करें, और किन चीज़ों के मुतालिक देखें, साइंस के मुतालिक, साइंस मटेरियल्स के मुतालिक, मैनिपुलेटिव चीज़ों को के मुतालिक सोचना, समझना, इकट्ठा करना। प्लेनेटेरियम अगर चाहिए, फैसिलिटेट इज नॉट अवेलेबल हुआ हियर इन पाकिस्तान, लेकिन जहाँ पर एक रूम को बनाया गया है जिस बनाया जाता है एंड जस्ट लाइक अ प्लेनेट और डिफरेंट स्टार्स वगैरह उसके अंदर होते हैं, सो प्लेनेटेरियम में लेकर जाए या साइंस म्यूजियम में बच्चों को लेकर जाए करें, सो it will be more polished then. Is tarah agar intrapersonal hai, so they love apne liye intrapersonal, remember intrapersonal jo self centered hote hain, apne liye targets rakhte hain, mediate akele baithne ko kehte hain mediation, thinking ko bhi kehte hain dreaming, being quiet khamosh rehna, agar aise bacche hain so inme koi bimari nahi hai balki they are intrapersonally intelligent. Aap log kya kar liya kare, सीक्रेट प्लेसेस पे लेकर जाए करें या सीक्रेट प्लेसेस में बिठाएं, टाइम अलोन इनको अकेला टाइम दिया करें और सेल्फ पेस्ड प्रोजेक्ट्स इनको दिया करें, इनको कहें कि जिस तरीके से आप कर सकते हो तो उसी तरीके से काम कर लिया करें और इनको चॉइसेस दिया करें। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट जो अपने आप तक महदूद होते हैं तो उनको चॉइसेस दिया करें कि वो जिस तरीके से भी चीजों को करना चाहें। इसी तरह से जो बॉडीली kinesthetic intelligence hai, so they love dancing, they love running, jumping, building, touching, gesturing wagaira wagaira, inko yahan se aapko pata chal gaya ki they are body kinesthetic intelligent. Role play unko kara diya kare, ye jo actors hote hain actors, so they are body kinesthetic. aap lakh ko wahan pe unke jis tarah gestures nahi bana sakte, unki tarah faces nahi bana sakte, unki tarah acting nahi kar sakte, so role play unko diya kare, dramas wagaira, movement, body movement ya बॉडी पार्ट्स मूवमेंट चीजें बनाने के लिए दिया करें, स्पोर्ट्स फिजिकल गेम्स वगैरह में और टेक्टाइल जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कर दिया करें, एक्सपीरियंसेस करवा दिया करें, हैंड्स ऑन लर्निंग, और वो फिजिकली यानी जो भी वो सीखना चाहे हैंड्स ऑन लर्निंग मीन्स कि वो प्रैक्टिकली उनसे करवा दिया करें। जो स्पेशल इंटेलिजेंट होते हैं दे लव डिजाइनिंग, चीजों को डिजाइन करना, ड्राइंग करना, इमेजिन करना और चीजों को बनाना, डूडलिंग। इनको किस चीज की जरूरत होती है, आर्ट के प्रोजेक्ट्स को दिया करें, लेगोस जो प्लास्टिक वगैरह से चीजें बनाई जाती हैं वो चीजें करवा दिया करें, वीडियोस दिखाया करें। वीडियोस क्यों कर दिखाया करें, क्योंकि दे कैन इमेजिन थिंग, जो पेंटर्स होते हैं रिपीटिंग जो खत्तात वगैरह होते हैं, दे इमेजिन थिंग्स एंड देन राइट। और आप लोगों ने आजकल की जो वीडियोस और मूवीज वगैरह देखी हों, सो वहां पर भी वो उन इमेजिनेशंस को रिफ्लेक्ट किया जाता है। इफ यू अगर आपने वीडियोस देखी हों, सो मोस्टली दे आर एनिमेटेड, और एनिमेटेड मूवीज के अंदर सारी की सारी दे आर थिंकिंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्क्रीन। जो उनकी सोच होती है तो उस हिसाब से वो घर बना देते हैं, उसी हिसाब से वो आबशार बना देते हैं, उसी हिसाब से वो माउंटेन्स बना देते हैं। स्लाइड्स वगैरह को इमेजिन, जिस तरह के स्लाइड्स वगैरह बनाना, इमेजिनेशन, गेम्स बनाना, मेजर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन, लेकर जाया करें ताकि वहां पर वो डिफरेंट चीजें देखें। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होते हैं, सो कहां से आपको पता रहेगा, इनको रीडिंग पसंद होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं, सलीकामंद सलीके से रहते हैं, चीजों को रिलेट करते हैं, चीजों के मुताबिक सोचते हैं एंड और फिकर करते हैं चीजों के मुताबिक, मीडिएशन करते हैं। क्या चीज है अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट है तो, इनको फ्रेंड्स चाहिए, अकेला ये बिल्कुल नहीं बैठ सकता। ग्रुप गेम्स,
इंडिविजुअल एक्टिविटीज नहीं बल्कि ग्रुप टास्क दिया करें, सोशल गैदरिंग्स उनको करवा दें, कम्युनिटी इवेंट्स में लेकर जाया करें, क्लब्स, मेंटोरिंग, गाइड वगैरह के पास है अप्रेंटिसशिप, उनको करवाए करें किसी भी गाइड से। इस तरह अगर लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है सो कहाँ से पता चलेगा, रीडिंग, राइटिंग, टेलिंग स्टोरीज, प्लेइंग वर्ड गेम्स, ये इनको बड़े पसंद होते हैं, और इनको आप बुक्स, टेप्स, राइटिंग टूल्स, पेपर, डायरीज, डायलॉग्स, डिस्कशन, डिबेट, स्टोरीज वगैरह, इन चीज़ों का एहतमाम करा दिया करें। सो जो बंदा जहाँ पर इंटेलिजेंट हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटीज। सो दीज आर द 8 इंटेलिजेंसेस, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, गार्डनर साहब खुद कहते हैं कि ये 8 तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, विद द पैसेज ऑफ टाइम सम न्यू मे आल्सो बी आइडेंटिफाइड, और उन्होंने जो इजाफी 2-3 जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस की किताब का मैंने जिक्र किया, उन्होंने खुद ये किताब लिखी है, तो वहां पर वो कहते हैं कि मेरे जहन में है कि आने वाले दिनों में मैं पेडागोजिकल इंटेलिजेंस के पढ़ाने वाले पास बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो सवाल के जवाब दे सकते हैं, जिस तरह के मौलवी साहिबान वगैरह वगैरह, जो कि वो उन चीज़ों के जवाब दे सकते हैं जो कि आम बंदा नहीं दे सकता, या किस तरह से लाइफ किस तरह से आगे किस तरह से खत्म होगी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से मुताल्लिक। तो कहते इवन आई एम थिंकिंग अबाउट एडिंग द अदर वंस आल्सो। सो इट्स ओवर फ्रॉम मी।